नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम के ज्ञान। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में जितने भी ज़मीन है उसको उसकी आप डिटेल कैसे देख सकते हो। अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हो तो आप उसकी डिटेल कैसे देख सकते हो, उसका असली मालिक कौन है और वो किस जगह पर है और कितनी उसका एरिया है, आप उसकी सब डिटेल निकाल सकते हो लैंड रिकॉर्ड के तहत। लैंड रिकॉर्ड से आप उस ज़मीन की पूरी डिटेल निकाल सकते हो और उसका असली मालिक कौन है, उस ज़मीन में कोई केस तो नहीं है या कोई लोन तो नहीं है, आप वो भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर कोई होगा तो उस डिटेल में आपको वहाँ शो हो जाएगा, या कोई ग्राम सभा की कोई ज़मीन तो नहीं है, या उस पर कोई किसी का हक तो नहीं है, या पहले से ही किसी ने उस ज़मीन को बेच रख दिया किसी ने, तो आप जो भी ज़मीन खरीद रहे हो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी दिल्ली लैंड रिकॉर्ड में। तो नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन के तहत सभी स्टेटों में ये जो है लैंड रिकॉर्ड के लिए कर दिया गया है, आप सारे स्टेटों में देख सकते हो। तो आप दिल्ली में भी देख सकते हो, या आपकी खुद की ज़मीन है या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो, उसमें आप अपने जो उस ज़मीन की डिटेल पूरी चेक कर सकते हो, उसका असली मालिक कौन है और वो कितने एरिया में है, कितने गज में है, और वो उस एरिया कितना है उसका पूरा डिटेल आ जाएगी, उसका कितने कितने मालिक है उसमें, और उस कोई केस तो नहीं है उस ज़मीन में या उस प्रॉपर्टी में, आप वो सब चीज़ चेक कर सकते हो। या आपकी खुद की ज़मीन हो या आप किसी ज़मीन खरीद रहे हो, तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं यही बताऊंगा कि जब आप दिल्ली लैंड रिकॉर्ड चेक करोगे तो आपको क्या क्या उसमें मेन इंपॉर्टेंट देखना है। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो में नए आएँ तो चैनल को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, रेड बटन दबा के साथ में बेल आइकन दबा ना भूलें। मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ आर ओ आर रिपोर्ट डेली, तो आर ओ आर का मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। तो यहाँ से हमने एक दिल्ली लैंड रिकॉर्ड जो आप सबसे ऊपर देख रहे हो उस पर क्लिक करोगे तो ये जो है दिल्ली जो जितनी भी ज़मीन है उसकी रिकॉर्ड आ जाएगी। तो आपको ये जो ऊपर वाला है इस पर क्लिक करना है और आप देख सकते हो दिल्ली लैंड रिकॉर्ड की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट जो है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट जो ओपन हो चुकी है। तो आपको इसको थोड़ा सा नीचे देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो खसरा खतौनी विवरण, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। जो बीच वाला है उस पर क्लिक करेंगे खसरा खतौनी विवरण, तो यहाँ से आपको खतौनी की डिटेल और ज़मीन जो है उसकी डिटेल की जो है चेक कर सकते हो। तो मैं जो है बीच वाले पे क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ये साइड ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ रिवेन्यू डिपार्टमेंट की खाता डिटेल अंडर DLR एक्ट, तो जो दिल्ली की जितने भी स्टेट हैं, चार स्टेट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली के, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर डिवाइड कर दिया उन्होंने, और उसके बाद सब डिवीज़न और विलेज और कॉन्टैक्ट डिटेल ये आप यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों, तो आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है आप वो सर्च कर सकते हो। एक बार मैं आपको पूरा दिखा दूंगा कि कितना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आप देख सकते हो जितनी भी दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट है उन्हें डिवाइड कर रखा है इन्होंने, और आपके जो अकॉर्डिंग जितनी ज़मीन है जैसे आपको चेक करनी हो ज़मीन उस एरिया में आप उसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आप को जिस डिस्ट्रिक्ट का चेक करना है उसे चेक करके साथ में जो सब डिवीज़न और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आप देख सकते हो दोस्तों विलेज, तो यहाँ से आपका विलेज भी दिख जाएगा। तो मान लीजिए मैं सबसे ऊपर वाले में क्लिक करता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट तो उन्होंने सेलेक्ट हो रखा है, सब डिवीज़न भी सिलेक्ट हो रखा है। तो यहाँ जो है खाता टाइप, तो खाता टाइप में आपको यहाँ पर भूमिदार ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप लैंड, अगर कोई ओनर की लैंड देख रहे हो, ज़मीन देख रहे हो, तो आप भूमिदार उसे सिलेक्ट करोगे, और यहाँ से आप गांव सभा भी सिलेक्ट कर सकते हो जिस आपको खाता टाइप में करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस एरिया में देख रहे हो। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ बुराड़ी विलेज कर दिया सर्च ऑप्शन, सर्च ऑप्शन में आपको
खाता नंबर, खसरा नंबर और नाम से भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको तीनों में से एक पता है तो आप इसे सर्च कर सकते हो। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर, आप तीनों से सर्च कर सकते हो, खाता नंबर, खसरा नंबर और नाम, नाम से भी जिस ज़मीन के नाम है। तो एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर खाता नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर खाता नंबर मैं टाइप करूँगा। मान लीजिए खाता नंबर मैंने यहाँ सेलेक्ट करा, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ तो उस ज़मीन की डिटेल आ जाएगी। तो आपको अगर खाता नंबर पता होगा, खसरा नंबर पता होगा या किसी के नाम से पता होगा तो आप उसे सर्च कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर खाता नंबर डाल दिया और लिस्ट ऑफ ओनर, तो यहाँ पर चार जने उस ज़मीन के मालिक हैं, आप देख सकते हो। जिस खाता नंबर को मैंने सेलेक्ट किया है, सही नंबर, तो यहाँ से आप व्यू डिटेल में देख सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो तो खाता डिटेल आपकी आ चुकी है। तो सबसे पहले जो ऑनर डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। ऑनर डिटेल में बता दूँ, उससे नीचे जो आप है खतौनी भी निकाल सकते हो इसकी, व्यू डिजिटल सिंक करके। आपको यहाँ साइन करना पड़ेगा, डिजिटल के साइन इन करना पड़ेगा, तो खतौनी इसकी निकल जाएगी। तो जो ऑनर है सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, जो इसके ऑनर है, इसके चार बेटे हैं किशन चंद्र के, ठीक है सर। तो यहाँ से आप देख सकते हो किशन चंद्र के चार बेटे हैं, राम निवास, भीमसेन, वीरसेन, गुलशन, इनके पुत्र है ये चारे चार जने, और जो इनके पिता हैं वो हैं किशन चंद्र। तो इनके एक चौथाई, राम निवास की, भीमसेन की एक चौथाई, सबको एक एक चौथाई बढ़ चुका है। तो यहाँ से आप ऑनरशिप देख सकते हो इन चारों के नाम पे, मतलब इनके पिता के मरने के बाद इन चारों को एक चौथाई मिल चुका है इनका हिस्सा। तो ये आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हो किसी भी ज़मीन की। और खसरा नंबर यहाँ पर इनको मिल चुका है 16, तो इस ज़मीन का जो खसरा नंबर है वो है 16। दूसरी बात जो होती है, मैंने आपको बता दिया खसरा नंबर चेक करने के लिए। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एरिया। तो एरिया आप यहाँ पर बीघा और बिसवा में देख सकते हो। दिल्ली में जितनी भी ज़मीनें होती हैं वो बीघा में और बिसवा में होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 4 बीघा 16 बिसवा ये ज़मीन है, आप देख सकते हो 4 बीघा 16 बिसवा। और जो किशन चंद्र थे, जो बुराड़ी का एरिया है ये, वहाँ पर उनके चार बेटों को ये ज़मीन एक चौथाई मिल चुकी है। नंबर वन, ओनर की डिटेल यहाँ दिखती है, आप देख सकते हो ओनर की डिटेल दिख गई। नंबर टू, खसरा नंबर यहाँ जो है उसका मिल गया 16 नंबर। नंबर थ्री, एरिया, कितने एरिया में ये ज़मीन है, तो ये बीघा और बिसरा में है, 4 बीघा और 16 बिसवा। तो यहाँ से आपने बिसवा भी देख लिया। और जो मेन इम्पॉर्टेंट है रीमार्क, जो चौथा इम्पॉर्टेंट है वो रीमार्क। रीमार्क में आप यहाँ कुछ नहीं देख रहे दोस्तों, अगर यहाँ कुछ होता, मान लीजिए रिमार्क में अगर ये ज़मीन कोई लोन होती या कोई गवर्नमेंट के टैक्स होता या कोई थर्ड पार्टी क्लेम होता तो यहाँ रिमार्क में आ जाता इस ज़मीन की डिटेल में। यानी कि इस ज़मीन पे कुछ ना क्लेम है कोई थर्ड पार्टी का, ना कोई लोन है, ना कोई गवर्नमेंट टैक्स का कुछ है, और ना ही इसमें कोई केस है ज़मीन पे। अगर कुछ होता तो यहाँ रिमार्क में आ जाता। तो आपको मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ देखना होता है किसी भी ज़मीन का, कि रिमार्क में अगर कुछ था इस ज़मीन में तो आप यहाँ से पता लगा सकते थे कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम तो नहीं है, या कोई इस पे लोन तो नहीं है, या कोई गवर्नमेंट टैक्स या कोई केस तो नहीं था इस ज़मीन पे। तो यहाँ से आप रिमार्क भी चेक कर सकते हो। सो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ऑनर का यहाँ असली नाम आ जाता है, जो आप देख सकते हो जो ज़मीन बटी हुई थी। दूसरा, एरिया कितना है और कितना था, और तीसरा रिमार्क में। तो यहाँ से आप इसका जो खतौनी है यहाँ से डिटेल निकाल सकते हो साइन इन। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी होती है, और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो होता है वो डालना होता है, और सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न ये सब सिलेक्ट करके बाय खाता या खसरा या बाय नेम से कैप्चर कोड डालना होता है। या ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं डाल सकते, ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र आईडी जो आपने बनाई होती है वो डालना होता है। तो यहाँ पर आपको साइन इन करके खसरा जो आपको जो होता है ये सब डाल के खतौनी आपकी जो है पूरी डिटेल निकल जाती है। खतौनी भी यही डिटेल होती है जो ज़मीन के ऑनर, एरिया, ये सारी खतौनी में ही आता है, ये सब डिटेल आएगी खतौनी में। तो आप इसी खतौनी निकाल सकते हो। दोस्तों अगर
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको ज़मीन से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी जो दिल्ली की जो ज़मीन है उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, उसका असली मालिक कौन है और वो किस एरिया में है और कितने गज में है, आप उसका पूरा डिटेल चेक कर सकते हो। इस वीडियो में आपको मैंने पूरी डिटेल में बता दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। दोस्तों धन्यवाद।